नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा, ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हेलकस न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। हमीरपुर में 9 अगस्त से चलेगा स्वच्छ हिमाचल अभियान। किन्नौर में खाई में स्माइक कार, युवक ने गवाई जान। कोरोना से माँ बाप खो चुके बच्चों की जानकारी तलब, मदद को उठाए कदमों की भी दे जानकारी। 4 गुना मुआवजा नहीं तो आंदोलन, 4 लेन प्रभावितों ने तैयार की नीति, सितंबर अक्टूबर में हक को लड़ेंगे लड़ाई। 5 ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस को हरी झंडी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महिंद्रा ग्रुप को कहा थैंक्स। सरकार बताए हक मिलेगा या नहीं, मानसून सत्र में दिए मंत्री के बयान से हैरान, डिपो संचालकों ने पूछा सवाल। 4 दिन देवभूमि की परिक्रमा, केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं युवा खेल मंत्री ठाकुर की आशीर्वाद यात्रा से प्रदेश में दस्तक। मानसून से 706 करोड़ का नुकसान, प्रदेश में 3 और मौतें, 99 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद। 2 महीने में बनेगा धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे। जासूसी प्रकरण पर सदन के बाहर यूथ कांग्रेस का हल्ला, भीड़ को तितर बितर करने को वाटर कैनन का इस्तेमाल। अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर में 9 अगस्त से चलेगा स्वच्छ हिमाचल अभियान। आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य पर 9 से 15 अगस्त तक स्वच्छ हिमाचल अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान जिला हमीरपुर में भी व्यापक सफाई अभियान की रूपरेखा तय कर ली गई है। इसे लेकर गुरुवार को हमीर भवन में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए SDM हमीरपुर डॉक्टर चिरंजीव लाल चौहान ने बताया, इस अभियान में सभी मुख्य विभागों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्हें रोजगार निर्धारित प्रपत्र पर रिपोर्ट प्रेषित करनी होगी। किन्नौर में खाई में स्माइक कार, युवक ने गवाई जान। गुरुवार प्रातः करीब 7 बजे किन्नौर में हुए कार दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मीरू पंचायत क्षेत्र के खोटगो नामक स्थान पर गुरुवार प्रातः एक कार HP 25 से 3578 के गहरी खाई में जा गिरने से वाहन में सवार राजभगत नेगी गांव रोगी जिला किन्नौर की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मीरू सहित 19 पंचायत क्षेत्रों के प्रधानों सहित कई ग्रामीण घटनास्थल में पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से युवक के शव को सड़क तक पहुंचाया। बताया जा रहा है कि युवक राजभगत होमगार्ड में कार्यरत थे। घटना के वक्त राजभगत मीरू में अपने किसी रिश्तेदार के यहां से अपने घर रोगी को लौट रहे थे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया। वहीं मृतक के परिजनों को प्रशासन की ओर से 10,000 की फौरी राहत प्रदान की गई। कोरोना से माँ बाप खो चुके बच्चों की जानकारी तलब, मदद को उठाए कदमों की भी दे जानकारी। प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार से उन बच्चों की जानकारी कोर्ट को देने के आदेश दिए हैं जिन्होंने कोरोना के कारण अपने माता पिता में से एक को खो दिया है या अनाथ हो गए हैं। कोर्ट ने ये भी बताने के आदेश दिए हैं कि ऐसे बच्चों की मदद या पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश में अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किए हैं। 4 गुना मुआवजा नहीं तो आंदोलन, 4 लेन प्रभावितों ने तैयार की नीति, सितंबर अक्टूबर में हक को लड़ेंगे लड़ाई। सरकार से 4 गुना मुआवजे पर पुनर्स्थापना पुनर्वास की लड़ाई लड़ रहे 4 लेन प्रभावित अब प्रदेश स्तर पर एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। इस बाबत मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में एक योजना तैयार की गई है। बैठक में सरकार के खिलाफ एक व्यापक प्रदेश स्तरीय भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। यही नहीं, इस दौरान 21 सदस्यीय आयोजन समिति का गठन किया गया जिसमें BRO कौंजल को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पर जोगिंदर वाली संयोजक, नरेंद्र ठाकुर, मदन शर्मा, राजेश पठानिया व परमानंद शर्मा को सह संयोजक चुना गया। इस अवसर पर आह्वान किया गया कि किसान एक साथ मिलकर आने वाले दिनों में संघर्ष को तेज करेंगे और सरकार को अपना वादा पूरा करने के लिए मजबूर करेंगे। सितंबर अक्टूबर तक प्रदेश भर में मंच एक साथ आंदोलन शुरू करेगा। 5 ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस को हरी झंडी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महिंद्रा ग्रुप को कहा थैंक्स। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को ओक ओवर से कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत महिंद्रा ग्रुप द्वारा प्रदान की गई 5 ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। CM ने कहा कि ये एम्बुलेंस IGMC शिमला, किन्नौर, कंडाघाट, जजहली और नूरपुर अस्पतालों को प्रदान की जाएगी। जयराम ठाकुर ने इस परोपकारी कार्य के लिए महिंद्रा ग्रुप का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये एम्बुलेंस मरीजों को राहत प्रदान करने के प्रदेश सरकार के प्रयासों में सहायक सिद्ध होगी।
सरकार बताए हक मिलेगा या नहीं। मानसून सत्र में दिए मंत्री के बयान से हैरान डिपो संचालक ने पूछा सवाल। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर व नदौन के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रदेश के डिपो संचालकों की दयनीय आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के बारे में सरकार से प्रश्न पूछने के लिए प्रदेश डिपो संचालक समिति ने दोनों विधायकों का धन्यवाद किया है। प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने खाद्य आपूर्ति मंत्री द्वारा दिए गए बयान जिसमें ये कहा गया है कि ये मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है, पर हैरानी जताते हुए कहा कि गत 10 अक्टूबर को हमीरपुर जिला में आयोजित प्रदेश डिपो संचालन समिति के सम्मेलन में खाद्य आपूर्ति मंत्री ने हमारी सभी मांगों को जायज बताते हुए मुख्यमंत्री से विचार कर मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। हमें बार बार आश्वासन मिलते रहे, लेकिन विधानसभा सत्र के दौरान मंत्री द्वारा दिए गए बयान से प्रदेश के सभी डिपो संचालक हैरान हैं। प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने खाद्य आपूर्ति मंत्री से स्थिति स्पष्ट करने को कहा कि क्या ये सच में ही मंत्री ने ऐसे बयान दिए हैं ताकि हम प्रदेश में हो रहे उपचुनावों के लिए समय रहते ये फैसला कर सके कि हमने इन चुनावों में सरकार के पक्ष में मतदान करना है या नहीं। चार दिन देवभूमि की परिक्रमा। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं युवा खेल मंत्री ठाकुर की आशीर्वाद यात्रा से प्रदेश में दस्तक। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं युवा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि हिमाचल में एंट्री करते ही वे प्रदेश भर में लोगों से मिलने और जनता से आशीर्वाद भी लेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग चार दिनों तक वे प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। हालांकि ये पहला मौका है जब कैबिनेट मंत्री बनने के बाद हिमाचल का कोई लीडर अपने प्रदेश में इस तरह से दस्तक देगा। प्रदेश भर में बीजेपी के नेताओं और खासकर धूमल और अनुराग समर्थकों ने अपने युवा नेता के इस कवाल की तैयारियां शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय से जारी हुए शेड्यूल के मुताबिक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 16 अगस्त को प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। मानसून से 706 करोड़ का नुकसान। प्रदेश में 3 और मौतें। 99 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बौछारें जमकर कहर बरपा रही हैं। बारिश से प्रदेश को अब तक 706 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है, जबकि 222 लोग मानसून सीजन में अकाल मौत का ग्रास बन चुके हैं। बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ है। लोक निर्माण विभाग को अब तक 472 करोड़ की क्षति हो गई है। IPH विभाग को 190 करोड़ की चपत लग चुकी है। मौसम विभाग द्वारा राज्य में आगामी दिनों के दौरान भी मानसून के सक्रिय रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में आगामी दिनों के दौरान नुकसान का ग्राफ बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में अब तक मानसून सीजन में 222 लोगों की मौत हो चुकी है। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेश्चन चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।